हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला है, आप सभी ने बहुत सारे मैसेजेस लिखे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं और ये लिखे हैं कि आपको कैनवास पेंटिंग के ऊपर ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आज मैं इसलिए आपके सामने आया हूँ। तो कैनवास पेंटिंग का ट्यूटोरियल वीडियो देखते हैं। आप में से जो लोग सोचते हो कि कैनवास पेंटिंग करोगे, आप लोग बिगनर्स हो, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कैनवास किस किस साइजेस में अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा, ये छोटा कैनवास मेरे हाथ में है, कैमल कैनवास बोर्ड, जिसका साइज है 6x4 इंचेस। तो ये एकदम छोटा साइज है, आपको पेंटिंग करने स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट और एक कैनवास बोर्ड है 6x6 इंचेस का, ये स्क्वायर साइज में अवेलेबल है, कैमल कैनवास बोर्ड, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट जो साइज है ये है 8x8 इंचेस, ये भी स्क्वायर साइज में अवेलेबल है और कैनवास बोर्ड ये छोटे छोटे साइज में तो अवेलेबल है ही, इससे थोड़ा बड़ा भी अवेलेबल है, जैसे ये है 8x10 इंचेस। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो कैनवास बोर्ड का बोर्ड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसमें एक कोटिंग लगाया गया है, एक्रेलिक कोटिंग, तो आपको जब पेंटिंग आप करोगे तो डायरेक्ट कलर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। और इसका एक और एक बड़ा साइज मैं दिखाता हूँ, यह है कैमल कैनवास बोर्ड 10x12 इंचेस का। तो इससे भी और बड़े 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 साइज का अवेलेबल होता है, लेकिन उतना सारा मैं आपको दिखाने के लिए नहीं लाया हूँ। मैं बस एक दिखाना चाहता हूँ कि कैनवास के बोर्ड जो होते हैं बहुत एकदम मिनिमम साइज से लेके एकदम बड़ा साइज तक अवेलेबल है। कैनवास बोर्ड के ऊपर कौन कौन से कलर्स यूज किए जाते हैं पहले वो जानना जरूरी है। कैनवास बोर्ड के ऊपर जैसे फैब्रिक है एक्रेलिक कलर्स, आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर्स, हेवी बॉडी एक्रेलिक कलर्स एंड फ्लूइड एक्रेलिक कलर्स, और उसके बाद ऑयल कलर्स, ऑयल पेंटिंग जो करते हैं वो सब यूज किया जाता है। लेकिन आज मैं ये वीडियो में बताऊंगा कैनवास के ऊपर फैब्रिक का एक्रेलिक कलर्स कैसे यूज किया जाता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा, और बाकी जो एक्रेलिक कलर्स के पेंटिंग टेक्निक्स वो सारे चीज मैं बताऊंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। यह है कैमल फैब्रिक का एक्रेलिक कलर्स न्यू पैक सेटअप 6, और इसका एक बड़ा पैक है सेटअप 10, ये भी न्यू पैक है, और सेटअप 20 ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको 20 सेट्स तो मिल ही जाएगा। इसके साथ साथ आपको मैं दिखा दूं, ये पैक में एक ब्रश भी दिया है, ये स्पेशलिटी ब्रश है, तो हॉबी आर्टिस्ट जो हैं उनके लिए ये ब्रश अच्छा है। और वेरी इंटरेस्टिंग गोल्ड, इसमें आप देख सकते हैं गोल्ड कलर्स दिया गया है और पर्ल वाइट दिया गया है, इसके साथ साथ और भी बाकी 18 सेट्स इसमें हैं। तो यह है कैमल फैब्रिका एक्रेलिक कलर सेटअप 20। तो कैमल फैब्रिका एक्रेलिक कलर्स एंड कैमल कैनवास बोर्ड अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोडक्ट के सारे लिंक्स हैं, आप वो लिंक्स के थ्रू परचेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैनवास बोर्ड के ऊपर फैब्रिक एक्रेलिक कलर का इफेक्ट क्या आता है।
आप देख सकते हैं स्मॉल कैनवस पे भी कितना सुंदर पेंटिंग बनाया जा सकता है। तो प्लीज आप लोग भी स्मॉल कैनवस लेके फैब्रिक या एक्रेलिक कलर से ट्राई करें, बहुत ही अच्छा पेंटिंग आप बना सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू।